हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सबसे पहले हैप्पी चैत्र नवरात्रि। तो आज इसी खुशी में और इसी फेस्टिवल के मौके पे जाया जा रहा है देवी के मंदिर, जो है अंधेरी में। पता ही नहीं था ये गांव देवी नाम का मंदिर है अंधेरी वेस्ट में। तो मैंने देखा और निकल गई आज सवारी, आज तो एकदम ही निकल गया जल्दी जल्दी में। गोरेगांव पहुँच गया हूँ और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप निकल चुकी है, बट बहुत ही सुहानी सुहानी दिख है, बहुत ही अच्छा बाजू में व्यू है। बढ़ाते हैं सवारी आगे और मिलेंगे मंदिर में, मज़ा आने वाला है। वेट नहीं कर पा रहा अब, ये 6 किलोमीटर 600 किलोमीटर लग रहा है। Let me take you for a ride. लगा ना थोड़ा सा रिफ्रेशिंग ये बर्ड्स की आवाज़ सुन के, अलग अलग तरह की अच्छा लग रहा है सब सुन के। धूप है ज़्यादा नहीं है उगने वाली। अब एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है मंदिर वाली जगह और ये है एक हिल, इसके टॉप पे मंदिर है। ये है गांव, श्री गांव देवी दुर्गा देवस्थान ट्रस्ट, एट द परफेक्ट प्लेस नवरात्रि के टाइम पे इतनी चढ़ाई करनी है सीढ़ियों से। अभी ऊपर काफ़ी लोग जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, लाइक पानी ले लेके ऊपर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर रेसिडेंशियल भी है थोड़ा सा। जय माता दी, शुरू करते हैं भाई। तो ये हिल का नाम है गिलबर्ट हिल और एक बहुत ही पुरानी हिल है। मंदिर का ध्वज दिखने लगा है, पर आ गए हैं और हमारी चेतक दिख रही है, वो रहा ध्वज और यहाँ से चढ़ाई है। अभी ये वाले पहाड़ के बारे में बताता हूँ कि ये कितना ज़्यादा प्राचीन है। ये पहाड़ है ना, इसका नाम गिलबर्ट हिल है एंड दिस इज 66 मिलियन ईयर ओल्ड पहाड़, हेरिटेज साइट है। तो इसने 66 मिलियन ईयर ओल्ड, मतलब इसने डायनासोर एक्सटिंक्शन देखा है, काफ़ी पुराना है। यहाँ से कुछ मेजेस्टिक व्यूज, यहाँ पे रेसिडेंशियल है पूरा, यहाँ से आपको पूरा अंधेरी दिख रहा है।
इतने ज़्यादा शांतिपूर्वक दर्शन हुए हैं, वो भी नवरात्रि के टाइम पे, क्योंकि ये जगह पता ही नहीं है किसी को। एकदम शहर के बीचों बीच ये जगह है। इसकी हिस्ट्री का ऐसे पोस्टर लगा हुआ था, वो यूएसए के कोई डेविल्स हिल के साथ कुछ तो कंपैरिजन हुआ है। यहाँ पे अभी मैंने कुछ लोकल्स से बात की तो उनसे पता पड़ा कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिल था और कुछ बिल्डर्स ने आके इसको तोड़ा है, यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई है। तो ये सारी जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई है आसपास में, ये सब, ये पूरा हिल था, इसको तोड़ तोड़ के बिल्डिंग्स बनाई गई है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बचपन से रह रहे हैं पास में, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर दूर से आए हैं। मैं तो मीरा रोड से आया हूँ अंधेरी वेस्ट तक, तो उतना कुछ पता नहीं पड़ा, 20-21 किलोमीटर्स था। बट मैं यहाँ पे लोग देख रहा हूँ जो दहानू से आए हैं, जो गुजरात से आए हैं, बस माता रानी के दर्शन करने के लिए। कितना ज़्यादा शांत है, छोटा सा मंदिर है, एकदम क्लीन, वेल मेंटेन्ड। एंड यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि सामने बैठी हुई है माता रानी, और जहाँ पे माता हो वहाँ पे उनका पुत्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, तो साथ में गणपति भी है। अब कम से कम कोई मेरे रिलेटिव्स आएंगे या कोई फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ प्लान बनाएंगे तो मेरे पास एक नई जगह है उनको दिखाने के लिए, और एक नया मंदिर है उनको पीस फील कराने के लिए। कई दिनों से मन कर रहा था कि कोई एक पीसफुल जगह पर जाऊँ, लेकिन इतनी गर्मी है तो कहाँ जाऊँ। लेकिन अब पता पड़ रहा है कि इससे ज़्यादा सही जगह हो ही नहीं सकती थी, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, 21 किलोमीटर्स बस, थोड़ा सा ट्रैफिक। जब यहाँ पे जो लोकल्स थे उनको पूछा था तो उन्होंने बोला था कि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, हम लोग ने जो सुना है हम वो बता रहे हैं। और जब मैं पंडित जी के पास गया यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे जो पोस्टर लगा हुआ था उसको पूरी हिस्ट्री का वो बताया। बोलते हैं कि कई बार मुँह बोली चीज़ें अलग हो जाती हैं लिखी हुई चीज़ों से। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बोलने से बेहतर है कि आप लिखा हुआ दिखा दीजिए, या आप लिखा हुआ जान लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यारो 8 बजे घर से निकला था, अभी 11 बज गए, लगता है निकलने का टाइम हो गया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, मैं इसकी जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप भी अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आइए। लोगों का मानना पड़ेगा, वो लोग 9-9 दिन फास्ट रख लेते हैं, कुछ नहीं खाते। अभी ये जो अंकल मुझे मिले थे उन्होंने 9 दिन कुछ नहीं खाने वाले, अभी वो बिना चप्पल के आए थे। अलग ही भक्ति होती है लोगों की, मुझे तो अभी भूख लग रही है। चलिए जी, हो गया बहुत मस्त दर्शन, अभी वापस जाना है 20 किलोमीटर। हाँ ले आओ, ऊपर ले आओ। थैंक यू।